के चाचा से रूठा हुआ है भतीजा, और बुआ को देखे तो दिल है पसीजा, दिल है पसीजा। बुआ कुछ नहीं हुआ, हार गए हम चुनावी जुआ। बुआ चल कमीने, बोल के बुआ बुआ इलेक्शन की रैली में मेरा निकाल दिया धुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कब खाऊंगी मैं प्रधानमंत्री वाला पुआ? बुआ वो सब आजमुआ के चड्डी वाले बयान के कारण हुआ। साला दूसरे के चड्डी का कलर बता बता के हमारी चड्डी उतरवा दिया। भले इस चुनाव में हमारी चड्डी उतर गई, लेकिन वादा करते हैं आपसे कि अगले इलेक्शन में मोदी और योगी की चड्डी जरूर उतारूंगा। और तब तक ये पता लगाता हूँ ये बीजेपी वाले कौन सा ब्रांड का चड्डी पहनते हैं जो उतरता ही नहीं है। कौन साला कहत रहला कि मोदिया योगिया की चड्डी उतार दे रे? मैंने यही साला कहत रहा मारे लेकर भैंस चौके मारा। साले तुम अंदर की अंडरवियर देखने में बहुत माहिर हो ना, तो अपनी दूरदृष्टि से देख के ये बता कि इमरान खान की चड्डी किस ब्रांड की है, बता जल्दी। अमूल कॉफी की है। अमूल वाले से पैसा लिया है प्रचार करने का साले? निरोवा भाई। साले बता, तेरे दोस्त ओवैसी की चड्डी उतरी है नहीं? उतर गई। साला दोस्त होकर दोस्त की बुराई करता है। योगी कमीने आजम, अपनी दूर दृष्टि से बता कि पप्पू ने कौन से कलर की चड्डी पहनी है। पप्पू ने तो चड्डी ही नहीं पहनी है। अश्लील बातें करता है। देखिए भले ही बीजेपी जीत गयो, लेकिन हमार बंगाल में जय श्री राम ना चलबो, अभी मुख्यमंत्री हम ही हो। कैसे ना चलबे, ऊपर महामंत्री बैठ गया है। दीदी अब जनता ना डरबे, हमने बोला था एक दिन बंगाल का जनता बिना डरे जय श्री राम बोलेगा, और अब वो दिन आ गया है। अब दीदी तुमको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। उड़े बाबा ये ना चलबे, हमें ना बोलबे। उड़े बाबा कैसे ना चलबे, कैसे ना बोलबे। वहाँ माया का नहीं चलने दिया, यहाँ ममता का कैसे चलने देंगे। ना गुंडागर्दी के बारे में सोचो भी मत। अरे वो तो खुद महागुंडा है, उसके डर से यूपी के सारे गुंडे भाग गए। बजाओ। अरे माया को दिखाया, ममता को दिखाया, अब कन्हैया बेगूसराय में तो दे दिया तुझे हराए, अब बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बेटा तूने भारत के बहुत टुकड़े कर लिए। नहीं, चल अभी पाकिस्तान जाने की तैयारी कर, चल। नहीं, नहीं, नहीं। किधर गया?
भैया छोड़ भैया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, धोखे से निकल गई भैया, मैं तो मरी जावा भैया, भैया मैं भी चौकीदार हूँ आज से भैया। कांग्रेस वाले की माँ को प्रणाम करूँ भैया। कि मेरी टूटी झाड़ू, मेरी बिखरी झाड़ू और तेरे टूटे पंजे का बोल शीला बोल, संगम होगा के नहीं। तेरा क्या होगा कजरी? बिना सबूत के आप लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। तुझे सबूत की बड़ी खुजली है रे कजरी। इसने मुझे थप्पड़ मारा। ले 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 ले। अच्छा भूत कहा है? देखिए मेरा खांसी का इलाज चल रहा है, मैं बहुत बीमार हूँ। और बीमार आदमी को तुम मार नहीं सकते। बीमार हो इलाज चल रहा है, सबूत कहा है? सबूत कहा है? छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। ओए गुरु, हमें पता था मोदी आएगा, फिर भी किया ना गोर, चिल्लाते रहो चुनाव में, चौकीदार है चोर, अब छोड़ेगा ना मोदी हमें, गली गली में है शोर, चलो भाग चले पाकिस्तान, लालू चाचा चारा चोर, ठोको ठोको। हमारा जूता मालूम था कि मोदी आएगा तो चोर चोर चिल्लाने का क्या जरूरत था। खामोश, ये क्या कर रहे हो शत्रु बाबू? इसने बोला ठोको ठोको तो मैंने ठोक दिया। अरे ठोको का मतलब ताली होता है। आज के बाद ठोको का मतलब गाली होगा। देखो सिद्धू, ये तुम्हारे ठोको ठोको से परेशान होकर सोनी टीवी वाले ने तुम्हें लात मार के चैनल से बाहर कर दिया था। अब मोदी आ गया है, अब अगर ठोको ठोको किया ना तो देश की जनता लात मारकर देश से बाहर निकाल देगी। खामोश। अरे राहुल जी कैसे कैसे नमूनों के साथ गठबंधन कर लिए। अभी लो ना, काम का ना काज का, शत्रु अनाज का, अब ये दल बदलू हमें सिखाएगा। साला करता नहीं कोई वैल्यू इसकी बात का, धोबे का कुत्ता घर का ना घाट का। ठोको ठोको। अरे मुझे नहीं, रुको इसे ठोको ठोको। चलो ठोको ठोको। रुको, बहुत हो गए तुम लोगों का। तुम लोगों के इन्हीं हरकतों से सत्ता हाथ से निकल गई। अरे राहुल, तू भी तो टीवी पर पप्पू जैसा बात करते रहता है और दोष हमको दे रहा है। अरे कहीं आलू से सोना निकलता है क्या? क्या देश की जनता बेवकूफ है? साला ने मुझे भी गलत नारा सिखाया है, चौकीदार चोर है, राफेल चुराया है। साला अब पता चला उसने तो जनता का दिल चुराया है। साला मुझे भी गलत भाषण सिखा दिया। क्या सिखाया? मोदी फेंकू है, वो तो उखाड़ फेंकू निकला। बस बहुत हो गए तुम लोगों, अब होगा न्याय। साले बहुत हुआ तेरा न्याय न्याय, अब होगा तेरे साथ अन्याय। ठोको ठोको। अरे मुझे नहीं, इस पप्पू को ठोको। रुको रुको रुको, चुनाव में दीदी चिल्लाते वक्त साथ में थी। सचमुच पप्पू है, अब पिटाई के लिए भी साथ बुलाता हूँ। हेलो दीदी, पिटाना है, जल्दी आओ, गठबंधन वाले मार रहे हैं। अकेले पिटा कमीने, मैं नहीं आऊंगी। एक तो तुम माँ बेटे ने जबरदस्ती चुनाव लड़वा दिया, साड़ी पहनवा दी, फिर धूप में रैली करवा करवा कर मेरे सारे लुक्स बिगाड़ दिए। अब मैं नहीं आऊंगी, जा रही हूँ इटली नानी के पास मूड फ्रेश करने। तो
दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस उंगली से आपने वोट डाला था उसी उंगली से हमारे सब्सक्राइब वाला बटन लाल है उसे भी दबाइए, बगल का घंटा भी दबाइए, और हमें यूट्यूब के इलेक्शन में जिताइए। क्योंकि दोस्तों हमारी सरकार आएगी तो हम मोबाइल के पीछे ATM लगा देंगे, आप आगे से वीडियो देखिएगा, पीछे से पैसे निकलेंगे। अलविदा, कैमरामैन हिम्मत के साथ अर्धन से हम। मोदी पूछे कैसन वा हाल चाल रे।